Sir, heavy fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from TradingFab.in. आज 6 अगस्त 2019 ट्यूसडे है. सुबह के 8:19 हो रहा है. कल हमने देखा जबरदस्त पैनिक मूव निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला. जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी कभी दिखाई देता है तो मार्केट इसी तरह पैनिक रिएक्ट करता है. यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उससे चाइना की जो करेंसी है उसमें भी भारी गिरावट आई है, तो ग्लोबल मार्केट भी काफी कमजोर इस समय दिखाई दे रहे हैं. तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, और उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 5 अगस्त आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में यहाँ उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,024 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,926. तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी, तो यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ये निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ. तो यहाँ पर इनिशियली कोई ट्रेड नहीं बनता और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री के लिए कोई टाइम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टारगेट के नीचे ही यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ. और ये जो पैनिक मूव था ये फर्स्ट आवर यहाँ पर ये पैनिक मूव यहाँ पर दिखाई दिया. और उसके बाद पूरा दिन जैसे जैसे न्यूज आ रही थी कश्मीर के बारे में, तो उसके बाद यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न पूरे दिन दिखाई दिया. हालांकि ऐसे मार्केट में ट्रेड ना करे तो बेहतर है. काफ़ी वोलेटाइल मूव्स होते हैं, जो स्टॉप लॉस होते हैं वो काफ़ी हद तक ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे मार्केट को अवॉइड करना चाहिए. तो अभी फिलहाल आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे. कल के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी. तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल यूएस मार्केट्स काफ़ी ज़बरदस्त कमजोरी के साथ बंद हुए. नास्डैक 278 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी लाल निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 81 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. जापानीज मार्केट 420 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. और चाइना मार्केट में भी कमजोरी दिखाई दे रही है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी वीकनेस है, कमजोरी है. डाउ फ्यूचर देखे तो 220 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट में. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है निफ्टी का वीकली चार्ट. अगर आप हमें कई सारे वीडियोस पास्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट में अभी ये 100 EMA का ये जो मूविंग एवरेज है, ये ग्रे लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था. अभी ग्लोबल हालात भी काफ़ी कमज़ोर है और इंटरनल पॉलिटिक्स देखे, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखे तो अभी भी लोकसभा में बिल पास होना काफ़ी ज़रूरी है. उसके बाद आगे एक्टिविटी क्या बढ़ती है इसके ऊपर बाजार का हाल भी निर्भर कर सकता है. तो अभी टेक्निकली सपोर्ट ये जो 100 EMA है ये अराउंड 10,760 के पास आ रहा है. कल इसने 61.8% का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था ये 10,800 का इसने अचीव कर लिया और इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है. तो बुल्स बॉटम में बुल्स काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर ऊपर निफ्टी को ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हालांकि जैसे ही नया दिन शुरू होता है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल न्यूज़ या फिर ग्लोबल क्यूज़ के साथ ये और भी टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव होने लगता है. तो अभी यहाँ पर 10,760 ये स्ट्रांग सपोर्ट है. अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज जो हमने पास्ट में देखा था, यहाँ पर जो बजट के पहले और इलेक्शन के पहले एक कंसोलिडेशन फेज था, इसका अपर बैंड यहाँ पर अराउंड 11,000 के पास इसका अपर बैंड बन रहा था और लोअर बैंड बन रहा था करीब करीब 10,500 के पास. तो नीचे अगर ये 10,760 अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 10,500 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा एज पर दिस कंसोलिडेशन फेज. तो यहाँ पर इसके पहले ये वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो इसके पहले भी यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है या नहीं ये हम डेली चार्ट में एनालाइज करेंगे. लेकिन उससे पहले और एक बात है, आरएसआई सपोर्टिंग इंडिकेटर जो कि हमें बुल्स और बेयर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाता है. तो आप अगर पास्ट एनालिसिस को यहाँ पर देखें तो ये 30 के लेवल के पास अभी तक वीकली चार्ट में ये पहुंचा नहीं है। ये जब भी 30 के लेवल के पास आता है तो हमें ऊपर प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक दिखाई देता है। ये जब भी 30 के पास आया तो ऊपर यहाँ से बाउंस बैक दिखाई दिया। ये जब भी 30 के लेवल के पास आया तो ऊपर हमें बाउंस बैक दिखाई दिया। ये यहाँ पर अभी ये फिर से 30 के लेवल के पास मूव हो रहा है। अभी भी ये इसका लेवल जो है वो 36 के पास है। अभी भी 30 ओवरसोल्ड जोन तक ये पहुंचा नहीं है, तो और भी यहाँ से हमें टुवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाई दे सकता है। 2008 में इसने लास्ट 10 इयर्स में यहाँ पर 2008 में इसने 30 का लेवल ब्रेक किया था, ये आप देख सकते हैं। तो अभी भी फिलहाल 30 लेवल के पास आरएसआई आने के बाद एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट में अभी 36 के पास है आरएसआई, ओवरसोल्ड जोन तक अभी ये गया नहीं है। तो ये एक यहाँ पर पॉइंट बन रहा है कि और ये निफ्टी इंडेक्स में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में हम कैंडल का एनालिसिस करें तो लास्ट ये 4 कैंडल्स जो है ये हमें ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पर बुल्स की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन जो प्राइस एक्शन में हमें हायर आया और हायर लो का पैटर्न चाहिए वो क्रिएट नहीं हो रहा है। बुल्स लास्ट मूवमेंट पे यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और फिर से ऊपर निफ्टी इंडेक्स को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है ये हमें डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पर दर्शा रहा है। तो हायर हाई के लिए ये इस तरह से ये जब भी डाउन ट्रेंड आता है तो उसके बाद यहाँ पर हायर हाई ये ऐसे हायर हाई बनना बहुत ज़रूरी है, तो हमें अपसाइड मूव का यहाँ पर कंफर्मेशन मिल सकता है। अभी फिलहाल लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न चालू है। कल देखे तो यहाँ पर कैंडलस्टिक जो बना है वो हैमर कैंडलस्टिक बना है, जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन पैटर्न जो है वो लोअर हाई लोअर लो का चल रहा है, यानी प्रीवियस हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे करंट हाई और करंट लो बन रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई अपसाइड मूव आता है तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनना बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल ग्लोबल क्यूज काफ़ी कमज़ोर है, हो सकता है यहाँ से और भी टुवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव देखने को मिले। तो यहाँ पर डेली चार्ट में हमें क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कंसोलिडेशन फेज, जिसका लोअर बैंड अराउंड 10,520 यानी ऑलमोस्ट 10,500 के पास है। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है 61.8% का फिबोनाची लेवल, तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 10,500 के पास दिखाई दे सकता है। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर कल का ये हाई अगर ब्रेक करता है तो तुरंत पिवट पॉइंट का R1 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके बाद ये 20 EMA का पिंक लाइन जो है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो अगर ये कल का हाई अगर ब्रेक करता है यानी अराउंड 10,894 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट ये जो 20 EMA अभी अराउंड 10,925 के पास है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,960, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो यहाँ से एक बियरिश कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ था और फिर से एक ऊपर की तरफ ये स्विंग होकर क्लोज हुआ था, तो यहाँ पर 10,826 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,798, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। जैसे कि ग्लोबल सिनारियो हम देख रहे हैं काफ़ी कमज़ोर है, तो अगर आज भी गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो फिर 10,798 के नीचे सस्टेन होने दीजिए निफ्टी इंडेक्स को, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,770, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,744, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 10,798 के नीचे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर वरना 10,847 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।